बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त ओल्ड कोरंग रोड आया हूँ और यहाँ कुछ स्कूलें हैं, और आप स्कूल के सराउंडिंग की हाल देखें कि यहाँ दरख्त तो कोई लगे नहीं है, लेकिन एक गारबेज के डंप किए हुए हैं। स्मेल आप देखें, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं रह सकता। यह आप देखें, ये आप देखें कि ये गारबेज की ये हालत है, और ये सामने स्कूल है। स्कूल है, यहाँ बच्चे जो आते हैं वो सब गारबेज की स्मेल लेते हुए। सूंघते हुए आते हैं। यहाँ कोई दरख्त नहीं है। आप देखें कि ये बाउंड्री वॉल है, और इस तरफ यहाँ दरख्त होने चाहिए। दूर दूर तक दरख्त नहीं है मेरे राइट के ऊपर। सख्त बदबू है। अब बच्चे क्या ये देखें, यहाँ पर ये हाल। और ये कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का एरिया है। ये कैंटोनमेंट बोर्ड का है ना एरिया, कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है ना ये कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है। और आप यहाँ भी देखें, पूरी फुटपाथ भी भरी हुई है, पूरी फुटपाथ। और ये स्कूल है, स्कूल के बाद गटर की हाल भी, रोड भी टूटा फूटा, और ये गटर का मुंह भी खुला हुआ है। जैसे स्कूल है तो स्कूल वालों ने बेचारों ने कुछ दरख्त लगा दिए, अदरवाइज किसी बाउंड्री पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं दरख्त। ये स्कूल है, फाउंडेशन स्कूल। रोड की हाल देखें, रोड का हाल देखें, रोड का हाल। ये कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का एरिया है। ये रोड देखें, हर तरफ जो है खराब। ये गार्बेज यहाँ पर भी जमा हुआ है। ये स्कूल है, ये भी, ये दूसरी स्कूल है, पाकिस्तान रेलवे की स्कूल है। यहाँ पर भी गार्बेज सारा जमा है, बदबू की इंतहा है। और ये फाउंडेशन स्कूल, हर तरफ से गारबेज से जमा किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है स्कूलों को भी, यानी स्कूल भी नहीं बची हुई। मैं अपील करता हूँ सिविल सोसाइटी से, लीगल कम्युनिटी से, जुडिशरी से, कि कराची को माहौलियती तबाही से बचाने में अपना किरदार अदा करें, और जो हो सके अपना कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू।